दोस्तों, अगर आप भी ऋषभ पंत को एक बेहतरीन कप्तान मानते हैं तो इस वीडियो को अभी दिल से जरूर लाइक करें। वीडियो का लाइक टारगेट मात्र 400 लाइक्स का है, इसलिए एक लाइक तो ध्यान से ही कर दीजिए। दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेले गए आईपीएल 2021 के दूसरे क्वालिफायर और बेहद ही रोमांचक मैच में आखिरकार यहां पर बेहद ही शानदार तरीके से केकेआर की जीत हुई। जी, आपको बता दें, आखिरी ओवर में यहां पर पांचवी गेंद पर एक लंबा छक्का मारते हुए यहां पर केकेआर ने जीत दर्ज की और इसी के साथ वो फाइनल में भी पहुंच चुकी है। आगे इस वीडियो में दिखाएंगे आपको पूरी हाइलाइट्स, लेकिन दोस्तों उससे पहले यहां पर राहुल त्रिपाठी की बल्लेबाजी के लिए आप उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे, इसका जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। अब दोस्तों, इस मैच की बात की जाए तो आपको बता दें, यहां पर सबसे पहले दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने बल्लेबाजी की और उनकी बल्लेबाजी ज्यादा कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, क्योंकि पांचवी ओवर की पहली गेंद पर पृथ्वी शॉ चलते बने, जिन्होंने 12 गेंद में 18 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 2 चौके और 1 छक्का मारा। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए आए मार्कस स्टोइनिस, लेकिन वो भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और 23 गेंद में 18 रन बनाकर आउट हुए, जिसमें उन्होंने 1 चौका मारा। इसके बाद श्रेयस अय्यर आए, लेकिन दोस्तों तभी यहां पर दूसरी तरफ से खड़े शिखर धवन आउट हुए। धवन ने 39 गेंदों में 1 चौका और 2 छक्का लगाया और कुल 36 रन ठोके। इसके बाद ऋषभ पंत बल्लेबाजी के लिए आए, लेकिन वो 6 गेंद में 6 रन बनाकर ही चलते बने। इसी तरह से यहां पर एक के बाद एक दिल्ली के लगातार विकेट गिरते जा रहे थे। केकेआर की तरफ से बेहद ही कसी हुई गेंदबाजी देखने को मिल रही थी और दोस्तों यही कारण है कि दिल्ली ने 20 ओवर में 5 विकेट खोकर कुल 135 रन बनाए, जहां पर श्रेयस अय्यर 27 गेंद में 1 चौका और 1 छक्का मारकर कुल 30 रन बनाकर नॉट आउट रहे। अब दोस्तों आपको बता दें कि यहां पर मात्र 136 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी केकेआर की शुरुआत बेहद ही ताबड़तोड़ रही। शुभमन गिल और वेंकटेश अय्यर दोनों के बीच बेहतरीन साझेदारी हुई। आपको बता दें, यहां पर 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर वेंकटेश अय्यर का पहला विकेट गिरा, जब उन्होंने 41 गेंदों में 55 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 3 लंबे छक्के ठोके। इसके अलावा यहां पर इसके बाद जल्दी यहां पर नए बल्लेबाज नीतीश राणा भी आउट हुए, जिन्होंने 12 गेंद में 1 छक्का मारते हुए कुल 13 रन बनाए। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए आए राहुल त्रिपाठी। दोस्तों, इसी तरह से यहां पर केकेआर की टीम बड़े ही आसानी से मैच जीत रही थी, क्योंकि लगातार उनके बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन तभी यहां पर एक वक्त ऐसा आया जब पूरा का पूरा मैच पलटने लगा। जहां आपको बता दें, यहां पर 16वें ओवर में जब नीतीश राणा आउट हुए, उसके बाद केकेआर के लगातार विकेट गिरे और केकेआर की टीम एक बार फिर से दबाव की स्थिति में आ गई। जहां यहां पर शुभमन गिल 46 गेंद में 1 चौका और 1 छक्का मारते हुए 46 बनाकर आउट हुए, और इसके बाद तो जैसे लगातार केकेआर के विकेट गिरते गए। दिनेश कार्तिक बिना खाता खोले आउट हुए, इसके बाद ओइन मॉर्गन भी आउट हुए और शाकिब अल हसन भी आउट हुए। इसी तरह से दोस्तों यहां पर एक के बाद एक बल्लेबाज आउट होते गए और फिर एक वक्त ऐसा आया जब केकेआर को आखिरी 6 गेंदों में जीत के लिए 7 रनों की जरूरत थी। यहां आखिरी ओवर दिल्ली की तरफ से लेकर आए रविचंद्रन अश्विन, उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की और शुरू के 2 गेंदों में मात्र 1 रन दिया, और अब यहां पर आखिरी 4 गेंद में 6 रन चाहिए थे। तभी दोस्तों ओवर की तीसरी गेंद पर अश्विन ने शाकिब अल हसन को LBW आउट किया, मैच एक बार फिर से रोमांचक बना। और तभी यहां पर अगली ही गेंद पर नए बल्लेबाज सुनील नारायण भी कैच आउट हो गए। जी हां, लगातार 2 गेंदों में 2 विकेट लेकर अश्विन ने पूरा का पूरा मैच पलट ही दिया था, और अब यहां पर आखिरी 2 गेंदों में जीत के लिए 6 रनों की जरूरत थी। क्रीज पर थे राहुल त्रिपाठी, और दोस्तों तभी यहां पर राहुल त्रिपाठी ने पांचवी गेंद पर एक बेहतरीन सीधा छक्का मारा और आखिरकार यहां पर केकेआर की टीम ने एक हारा हुआ मुकाबला जीत लिया। जहां केकेआर की टीम ने 3 विकेट से यह मुकाबला जीत लिया, जहां पर राहुल त्रिपाठी ने आखिरी के ओवर में एक लंबा छक्का लगाया, और यही कारण है कि केकेआर की टीम आज फाइनल में पहुंच गई है। त्रिपाठी ने 11 गेंद में 1 छक्का मारते हुए कुल 12 रन बनाए। ऐसे में दोस्तों आपको इस मैच में उनकी बल्लेबाजी कैसी लगी, आप उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे, इसका जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। क्रिकेट से जुड़ी सभी लेटेस्ट न्यूज़ पाने के लिए अभी हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें।